देखिए, एक शब्द है इंटरसेप्टिंग, आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में इंटरसेप्टिंग का हिंदी इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो शब्द है आपका इंटरसेप्टिंग, मूल रूप से इंटरसेप्ट से बना है। इंटरसेप्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंटरसेप्टिंग आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस में लगता है, जैसे रहा है रहे हैं का मतलब आता है। जीरंड मतलब वर्ब में आईएनजी लगा करके नाउन बनाते हैं, पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव बनाते हैं। देखिए, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग बाय समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु को चलते हुए या उड़ते हुए रोकना, इंटरप्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग। तो हिंदी में अर्थ हुआ इंटरसेप्टिंग का निरोधक, रोधात्मक, प्रतिरोधक, रोकने वाला, बीच में अटकाने वाला, बाधा डालने वाला, संचार वाहिनी को चुपके से सुनना या सुनने वाले को हम बोलते हैं इंटरसेप्टिंग। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं इंटरप्टिंग, इम्पेडिंग, हैम्परिंग, स्टॉपिंग, डिफेंडिंग, सीजिंग, ब्लॉकिंग, प्रिवेंटिंग एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को और भी अच्छी तरह से, जिसे आम बोलचाल में हम लोग प्रयोग करेंगे इस वर्ड को। द इंटरसेप्टिंग फाइटर जेट फ्लू टुवर्ड्स द अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, मतलब प्रतिरोधक लड़ाकू जेट ने अज्ञात विमान की ओर उड़ान भरा। दूसरा एग्जाम्पल है द इंटरसेप्टिंग मिसाइल लॉक्ड ऑन टू द टारगेट एंड स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स इट, मतलब अवरोधक या अवरोधन करने वाली मिसाइल लक्ष्य पर लॉक हो गई और उनकी ओर उड़ान भरने लगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इंटरसेप्टिंग शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर डेस्क।